दोस्तों, मैं हरिशभ चैटर्जी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने करियर गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा करियर गोल्स होता क्या है उसके बारे में बात किया, बट अभी हमको अपना करियर गोल्स बनाना है। तो इसको बनाते कैसे है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो आपको अपने प्रोफेशनल करियर में आपको पता रहना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं इन फ्यूचर। ऑल्सो अपने पर्सनल एक फुलफिलमेंट के लिए आपको अच्छा लगेगा जब आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। तो इसी वजह से हमको अपना करियर गोल के बारे में पता रहना चाहिए। एंड ये करियर गोल बनाते कैसे है, तो पांच इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है दोस्तों। हम एक फ्रेमवर्क को यूज करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट फ्रेमवर्क। एक एक करके मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। तो दोस्तों हमको ये फ्रेमवर्क यूज करना है। फ्रेमवर्क में हम चलिए देखते हैं वन बाय वन वर्ड का मतलब क्या है। तो पहला टर्म है दोस्तों एस, जिसका मतलब है स्पेसिफिक। तो आपको बी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स होना है। आपको पता रहना चाहिए कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में या नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप करना क्या चाहते हैं। एंड इसको जानने के लिए देर आर सम क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद के बारे में जान पाए कि आपको करियर गोल्स है क्या। तो क्वेश्चंस है दोस्तों, What skills do you have that set you apart from the rest? Are there any particular skills that you aspire to master? What aspect of your current employer do you find most fulfilling? What's your favorite project to date? तो करियर गोल्स के बारे में बताते समय दोस्तों आपको एक बैलेंस रखना है कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बोल रहे एंड एकदम मतलब नॉट स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, एकदम बीच में होना चाहिए ताकि प्रॉपर आइडिया मिल पाए इंटरव्यूअर को आप करना क्या चाहते। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, मेजर योर सक्सेस। तो अभी आपको पता आपको करना क्या है, बट आपको माइलस्टोन सेट करना है दोस्तों कि सपोज आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचना है तो क्या क्या माइलस्टोन है, क्या क्या आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बारे में आइडिया रहना चाहिए ताकि आप खुद को मेजर कर पाए कि अच्छा मैं इधर तक पहुंचा हूं और रास्ता इतना दूर है। एंड दोस्तों उस रास्ते के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, अचीवेबल, मतलब जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल होना चाहिए। जैसे कुछ गोल्स होगा जो अभी आप करेंगे शॉर्ट टर्म में, कुछ गोल्स होगा लॉन्ग टर्म में, तो ये सब अचीवेबल गोल्स होना चाहिए जो आपको लगता है कि आप कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, रिलेवेंस। अभी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस पोजिशन पे आप जॉब करने वाले हैं, वो सब आपके करियर गोल में फिट होता है कि नहीं। सपोज आप बनना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, आप अभी काम करने वाले हैं सेल्स में, तो फिर ये फिट नहीं होता था। आपको प्रॉपर एक सिस्टम लाइन में बनाना है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपका क्या पाथ रहेगा, या सेल्स में जाना है तो क्या पाथ रहेगा। एंड उसके लिए फ्यू क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपको हेल्प करेगा आंसर करने में। हाउ वुड अकम्प्लिश दिस गोल हेल्प मी, डज अचीविंग दिस गोल हेल्प मी अचीव माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स इन इट फॉर मी इफ आई अचीव दिस गोल। और दोस्तों रिलेवेंस जानने के लिए आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, जो आप करना चाहते हैं इज दैट सिमिलर टू जो कंपनी कर रही है, ताकि इन द लॉन्ग टर्म आप जो कर रहे हैं आपको अच्छा लगे वो करने में। पॉइंट 5, टाइम फ्रेम। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ सेट कर रहे हैं गोल बट आपको पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, कुछ भी आप सेट नहीं किया है, तो फिर वो अर्जेंसी नहीं रहेगा। तो अर्जेंसी के लिए एंड आपको सेट माइंडसेट रखने के लिए दोस्तों आपका एक टाइमलाइन रहना चाहिए। हो सकता है आप 6 मंथ्स में एक टाइमलाइन सेट किए कि मुझे ये बनना है, बट अगर नहीं होता है नो इश्यूज, आप उसको ट्विक करके फिर से कुछ और बना सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट कि आपका एक फिक्स्ड टाइमलाइन रहना चाहिए कि इतना टाइम में मैं ये करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। तो दीज वेर द 5 पॉइंट्स दोस्तों जो आपको हेल्प करेगा अपने करियर गोल सेट करने में। होप करता हूँ कि वीडियो आपको यूजफुल लगा एंड कुछ नया सीखने को मिला। एंड अगर आपको यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @edioda_edyoda। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।